हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल दोस्तों, ऑफिशियली न्यूज़ निकल के आ रही है, प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। UPSC नर्स भर्ती 2021, जी हाँ दोस्तों, 5000 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। स्टाफ नर्स के लिए, NM के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती आ रही है। बिल्कुल ऑफिशियली परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। अप्रैल से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, अप्रैल में यह नोटिफिकेशन आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, A to Z सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, UPSC 2018 में कितनी वैकेंसी थी, कैसे सिलेक्शन हुआ, इसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल न्यूज़ पर। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज ही की न्यूज़ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरा वीडियो देखना है, जी हाँ पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखना है, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। हम आपको सबसे पहले बता दें ये न्यूज़ आपको कहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अमर उजाला लखनऊ, बुधवार 3 मार्च 2021, पेज नंबर 3 पर आपको पूरी न्यूज़ मिल जाएगी। ऊपर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, लखनऊ, अयोध्या, कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। और यह अमर उजाला ई पेपर आप लोग चेक कर सकते हैं, ई पेपर, और पेज नंबर 3 पर आपको पूरी न्यूज़ यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लो, इसे फिर देखना। देखिए लखनऊ, बुधवार 3 मार्च 2021, पेज नंबर 3 पर आपको पूरी न्यूज़ मिलेगी। देख सकते हैं, ये पूरी ई पेपर है, ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 6:04 पर जो है मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। और नीचे आप लोग देखिए, इस तरह से नीचे आपको आ जाना है, और यहाँ पे दो आपको न्यूज़ मिल जाएगा स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, जिसमें बोला गया है कि प्रमोशन किए गए 74 लैब टेक्नीसियन और 429 स्टाफ नर्सों को मिली पदोन्नति, बनी सिस्टर इंचार्ज, यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। और चलिए यह न्यूज़ देख लेते हैं, इसी में सारी जानकारी है। साथ ही मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाने वाला हूँ, और 2018 के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे सिलेक्शन हुआ है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या थी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ऑफिशियली न्यूज़। और नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियली यहाँ पे बोला गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं, पदोन्नति का आदेश जारी होने के बाद राजकीय नर्सेज संघ के पदाधिकारियों ने दोपहर बाद स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर DS नेगी, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य महानिदेशक हैं, डॉक्टर DS नेगी, यौम निदेशक नर्सिंग डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी से मुलाकात कर आभार जताया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने महानिदेशक से मांग की कि, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो महानिदेशक है इनसे मांग किया गया कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा विभाग में करीब 5000 पद स्टाफ नर्सेज के खाली हैं, इन्हें भी लोक सेवा आयोग के जरिए जो है जल्द भराया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों प्रांतीय चिकित्सा सेवा विभाग में 5000 वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी है, और 2018 के बाद जो है यहाँ पे अभी कोई भी भर्ती UPSC की तरह की तरफ से नहीं आई है। तो UPSC की तरफ से 2018 में जो है 3,838 वैकेंसी निकाली गई थी, बिल्कुल ऑफिशियली अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद जो है 5000 पद स्टाफ नर्सेज की खाली हैं, जो कि आप लोगों से बोला गया है कि यहाँ पे जो है लोक सेवा आयोग की जल्द जो है भरा जाए, तो इनके जरिए जो है भराया जाएगा। महानिदेशक से मिलने वाले पदाधिकारियों में सत्येंद्र सिंह, महामंत्री अशोक कुमार, आइनिस चार्ल्स वायलेट, विनीता विलियम, मंजू सिंह,
महेंद्र श्रीवास्तव आदि शामिल थे। इन्होंने जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन मिल के आ रही है कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा विभाग में 5000 पद जो हैं स्टाफ नर्स के खाली हैं। तो देख सकते हैं 5000 यहाँ पे वैकेंसी जो है खाली है। और हम बात करते हैं 2017 और 2018 के बारे में, तो यहाँ पे जो है देखिए वैकेंसी निकाली गई थी। सबसे पहले देखिए सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियली वेबसाइट है और 2018 की यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018 में हुआ था और 12 जनवरी 2017 को यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है जारी की गई थी। एक साल के बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, आपकी जो है ज्वाइनिंग करा दी गई थी एक साल के बाद ही। तो यहाँ पर आप लोग चेक करिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर A1E1 2017 रखी गई थी और 2017 का यह जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई थी 2017 से 2018 में स्टाफ नर्स के लिए जनरल OBC के लिए 125 रुपये थी मात्र, और SC ST के लिए 65 रुपये, PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस थी। और एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था 12 जनवरी 2017 से और आप लोग 16 मार्च 2017 तक फॉर्म को भर सकते थे। लास्ट डेट क्या थी, 16 मार्च 2017 थी और इसके बाद जो है 17 दिसंबर को ही इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो मार्च में जो है इसकी लास्ट डेट थी और यहाँ पे देखिए दिसंबर में जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और 6 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया गया था 24 फरवरी 2018 को, और 21 अगस्त 2018 को यहाँ पे प्रेफरेंस मांगा गया, 1 सितंबर को रिजल्ट जारी किया गया और 7 सितंबर को यहाँ पे जो है आपका 7 सितंबर 2018 से आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है लेटर अवेलेबल करा दिया गया। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे देखिए, तो एप्लीकेशन फ़ीस कम थी, क्वालिफिकेशन क्या थी, एज क्राइटेरिया वहाँ पे रखी गई थी 21 से लेकर 40 ईयर्स, 21 से लेकर 40 ईयर्स रखी गई थी। दोस्तों मैं आपको यह इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए यह वैकेंसी आ रही है, 5000 वैकेंसी आ रही है। तो क्या होगा क्वालिफिकेशन, कितनी वैकेंसी फीमेल को मिलेगी, कितनी वैकेंसी मेल को मिलेगी, तो इसकी जानकारी है। टोटल 3838 वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें 448 वैकेंसी मात्र मेल को दिया गया था और 3390 वैकेंसी फीमेल को दी गई थी। प्यारे दोस्तों फीमेल को जो है जनरल कैटेगरी में 1776 वैकेंसी थी, OBC के लिए 813 वैकेंसी, SC के लिए 732 वैकेंसी और ST के लिए 69 वैकेंसी, टोटल 3390 वैकेंसी थी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन आप लोग देखिए तो GNM के लिए थी और BSc नर्सिंग के लिए थी। तो GNM वाले और BSc नर्सिंग वाले जो है यहाँ पे फॉर्म को भर सकते थे। मेल के लिए 448 वैकेंसी है। तो अब की बार दोस्तों जब नोटिफिकेशन निकाली जाएगी 5000 वैकेंसी, तो उसमें अगर आपने GNM कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो 5000 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हो। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन है UPSC से रिलेटेड नीचे आप लोग कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।